हेलो एवरीवन, मैं कल्पिता ब्यूटी नाइन से, और आज हम देखेंगे बिगनर्स के लिए आई ट्यूटोरियल, आई शेडो हम कैसे लगाएंगे। तो आज मैं आपको दो तरीके के आई मेकअप दिखाने वाली हूँ, इसीलिए इस वक्त मेरी दोनों आंखें जो हैं अलग अलग दिख रही है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए मैं आज यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी शिवाना कलर्स का ये पैलेट। मैं जो है बिगनर्स के लिए आई मेकअप दिखाने वाली हूँ। मैं आपको एक आँख पे जो है बेसिक आई मेकअप दिखाऊंगी और एक आँख पे मैं आपको थोड़ा हैवी वाला आई मेकअप दिखाऊंगी। जो छोटी छोटी टेक्निक्स और टिप्स होती हैं आई मेकअप के लिए वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपको आपकी आँखों को प्राइम और बेस कर लेना है। तो प्राइमर यहाँ पर मैंने लगा लिया है, अब मैं जो है बेस लगा लेती हूँ। आप कोई भी फाउंडेशन जो है इस्तेमाल कर सकते हैं बेस के लिए। अब उसके बाद जो है हम पाउडरिंग कर लेंगे हमारे बेस की अच्छे से। तो यहाँ पे उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगी शिवाना कलर्स से ये जो सबसे लाइटेस्ट शेड है, जो ये सबसे लाइटेस्ट वाला शेड है और ये मैट है। तो हमें जो है मैट शेड्स इस्तेमाल करने हैं पाउडर के तौर पर, या तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फाउंडेशन जो है काफ़ी अच्छे से सेट हो जाता है, हमारा जो आई बेस होता है काफ़ी अच्छे से सेट हो जाता है। और मार्केट में बहुत सारे टाइप्स के जो आई बेस भी मिलते हैं स्पेशली आँखों के लिए होते हैं वो। ये जो है मैंने बेस को सेट कर लिया है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी बेसिक जो हम लोग मेकअप कहते हैं वो कैसे होता है। तो बेसिक के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी यहाँ पे ये ब्राउन शेड, जिससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि बेसिक में हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस कलर को इस फ्लैट ब्रश में लूंगी, जो आई शेडो एप्लीकेशन ब्रश है, और उसके बाद हम इसे फिल कर लेंगे यहाँ पे। आपको कलर सिर्फ लिड लाइन के बीच में करना, क्रीज लाइन पे करना है, क्रीज लाइन के अंदर करना है। यहाँ पे सबकी आंखों में एक हड्डी होती है, वो हड्डी जो है हमारी गाइडलाइन होती है। आपको उतने ही पोर्शन में जो है कलर फिल करना है अच्छे से। तो ये इस तरीके से जो है राउंड एरिया दिखना चाहिए। और अब हम ये डोम ब्रश ले लेंगे और डोम ब्रश की हेल्प से इसे इस तरह जो है स्मच करेंगे। आपको इसमें क्रीजिंग या और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकदम बेसिक आई मेकअप जो है मैं आपको बता रही हूँ। इसको आप अच्छे से इस तरह सर्कुलर मोशन में और एंटी क्लॉकवाइज मोशन में जो है ब्लेंड करेंगे। आप देख सकते हैं कितना सटल शेड लग रहा है, लेकिन अच्छे से ब्लेंडेड है ये, और ये वन टोन आई मेकअप है। ये हो जाने के बाद अब हम लोग हाइलाइटर जो है लगा लेंगे। और हाइलाइटर के लिए भी मैं ये फ्लैट ब्रश का इस्तेमाल करूंगी। और हाइलाइटर के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी ये रोज गोल्ड शेड, जो कि ये है लाइट रोज गोल्ड और ये है थोड़ा सा ब्राइट रोज गोल्ड। तो मैं लाइट वाला जो रोज गोल्ड है वो मैं ब्रश पे ले लूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है आपको। उसके बाद हमारे आईब्रो में यहाँ पे सबको, राउंड आईब्रो हो, आर्च हो, एस हो, सबको यहाँ पे जो है एक गैप पड़ता है। गैप मतलब एक जो है थोड़ा सा टिल्ट आता है आईब्रो में। तो हम इसे यहाँ से जो है इस तरह उठा लेंगे
उठाने के बाद यहाँ पे एक नेचुरल वी तैयार हो जाता है इस तरीके से। अब उस नेचुरल वी को हमें इस लाइट शेड से, मतलब हाइलाइटर से जो है फिल करना है। तो हमारा ये एरिया भी जो है आप देख सकते हैं परफेक्टली हाइलाइटेड दिख रहा है। और अब इसमें थोड़ा सा और जो है चार्म ऐड करने के लिए हम इनर कॉर्नर पे भी जो है इस तरीके से हाइलाइटिंग कर देंगे। परफेक्ट। अब बारी है लाइनर की। तो लाइनर के लिए आज मैं थोड़ा पॉपी शेड यूज करने वाली हूँ जो है मेबेलिन से ग्लिटर लाइनर ब्लू कलर में। ये है ग्लिट्स इंक मेबेलिन। तो अब जो है हम लाइनर लगा लेंगे। लाइनर आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, आपको कितना मोटा चाहिए, कितना पतला चाहिए, विंग चाहिए, राउंड चाहिए, आप अपने हिसाब से जो है वो कर सकते हैं। तो ये मेरा लाइनर भी कंप्लीट हो गया। और अब बारी है मस्कारा की। मस्कारा के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मेबेलिन से बिग शॉट मस्कारा। अब मैं इसे लोअर लैश पे भी लगा लूंगी। और अब उसके बाद बारी है काजल की। तो काजल की जगह मेरी आंखों को बड़ा दिखने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगी डार्केस्ट ब्लैक शेड। उसे मैं मेरे डोम ब्रश पे थोड़ा सा ले लूंगी इस तरह, और अंडर आईज में लगा लूंगी। आप चाहें तो अपनी वाटर लाइन को काजल से फिल कर सकते हैं। परफेक्ट। तो ये है एकदम बेसिक आई मेकअप। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम क्रीज लाइन के साथ मेकअप कैसे करेंगे। शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें लगेगा ये ट्रांजिशन शेड जो ऑरेंज इस शेड में होता है। तो मैं इस डोम ब्रश पे इस शेड को लूंगी। प्राइम और बेस तो हमने कर लिया है। और अब मैं ऐसे इस तरह जो है, जो मैंने आपको गाइडलाइन बताई थी, जो हमारी हड्डी होती है उस पे इस तरह तरीके से जो है ब्लेंड कर लूंगी। आपको पहले ट्रांजिशन शेड लगाना है, उसे अच्छे से जो है आप ब्लेंड करेंगे इस तरह। और फिर ये ब्राउन ले लेंगे हम, लाइट ब्राउन। अब उसे हम उस ट्रांजिशन शेड के थोड़ा सा नीचे लगाएंगे ताकि ब्लेंड करने में हमें दिक्कत ना हो। ये हमारी क्रीज लाइन तैयार हो गई। और आप देख सकते हैं दोनों आंखों में डिफरेंस, ये जैसी थी वैसी ही लग रही है। पर ये जो मेरी आंखें है ये यहाँ से थोड़ी अंदर दिख रही है, और यहाँ से वो अंदर है, अगर मैं खोलती तो वो बाहर दिखती है। तो इसे क्रीज लाइन इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारी आंखों को एक कट देता है। तो ये कट जो है मैंने दे दिया है। परफेक्ट। अब इसके बाद जो है मैं इसमें कलर फिल करूंगी। और यहाँ पे जो है मैं ये लाइट रोज गोल्ड कलर का इस्तेमाल कर रही हूं।
बीच का जो हमने पोर्शन छोड़ा है उसे हाईलाइट करने के लिए। और अब हम इस डोम ब्रश से जो है उसे अच्छे से थोड़ा ब्लेंड कर लेते हैं ब्राउन के साथ। तो ये जो है कुछ इस तरह दिखेगा आपका, ये बीच का एरिया हाइलाइटेड रहेगा, परफेक्ट। अब जो है हम यहाँ हाइलाइटिंग कर लेते हैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से, और वही रोज गोल्ड शेड जो है हम इस्तेमाल करेंगे। अब मस्कारा लगा लेते हैं। सेम लाइनर का हम इस्तेमाल करेंगे, ब्लू लाइनर जो है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ। और अब हम ब्लैक से जो है नीचे स्मजिंग कर लेंगे। अब आ रही है लास्ट हमारे आईब्रोज की। मैं मेरे शिवाना कलर्स के पैलेट से ये ब्राउन, डार्क ब्राउन जो है इस्तेमाल करूंगी आईब्रोज के लिए। मेरा आईब्रोज ऑलरेडी जो है थिक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं है, तो हम सिर्फ जो है फिलिंग कर लेंगे। तो ये जो है आई मेकअप ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है हमारा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।